आज का हमारा जो चैप्टर है वो स्टडी ऑफ टूल इन वर्कशॉप। हम वर्कशॉप में जो टूल यूज करते हैं उनका जानना कि कौन सा टूल किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर इंडस्ट्री के अंदर हम कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो उसके लिए सबसे बड़ा बेस टूल होता है। तो दीज टूल यूज इन स्मॉल रिपेयर वर्क इन आवर हाउस एंड सम टूल आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्ड सम प्रोजेक्ट इन वर्कशॉप विद रिलेटेड डेयरी प्रोडक्ट एंड अदर प्रोजेक्ट बिल्ड सिंपल रोबोट्स एटसेट्रा। सम टूल यूज इन लोकल मैकेनिक और रिपेयर शॉप और बी फाउंड एट द क्लोजेस्ट मेकर स्पेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरिंग टूल, क्योंकि कोई भी अगर हमें जॉब तैयार करना है तो उसकी पैमाइश की जरूरत रहती है। जैसे हमें अगर घर से कहीं भी वर्कशॉप जाना है या कोई फैक्ट्री जाना है तो हमें पता है कि हम वहां से घर से वहां तक जाएंगे तो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी। तो ऐसे ही अगर हम किसी जॉब को तैयार करना चाहते हैं तो उसकी पैमाइश का होना बहुत जरूरी है। तो उस पैमाइश के अनुकूल हमें सबसे पहले जो पैमाइश का स्केल है वो है स्टील रूल, जिसके अंदर की मार्किंग की जाती है एमएम में और इंचेस में। इस स्टील रूल को लगभग 12 इंच का और एमएम में इसको 300 एमएम में काउंटिंग की जाती है। और जो इंचेस है, जो एमएम है वो 1 एमएम की इसकी जो है अपना एक डिवीजन जो है वो 1 एमएम की है। तो इसी प्रकार इसको अगर हम 10 डिवीजन में बांट करके शो किया हुआ है तो इसका मतलब 10 एमएम है। तो इसी प्रकार 10, 20, 30, 40, 50 और इसको अगर 30 जहां पर आया तो ये 300 एमएम काउंट किया जाता है। ऐसे ही इसके नीचे की ओर जो मार्किंग है वो इंचेस में है और उसके अंदर 1 इंच 2 इंच अर्थात इसको 12 इंच तक शो किया गया। और 1 इंच में फिर आगे डिवीजन है और उन डिवीजन को अगर हम इंचेस की भाषा में कहते हैं तो इसको सूत में काउंटिंग किया जाता है। 1 इंच को 8 सूत में डिवाइड किया जाता है। और कई बार जैसे कहते हैं 1/2 इंच तो उसको 4 सूत काउंटिंग करेंगे, अगर 2 सूत कहेंगे तो उसको 1/4 कहेंगे। तो इस प्रकार से इस मार्किंग के बारे में हमें ज्ञात होता है। तो इसको आप देख पाएंगे ऊपर की जो है वो एमएम में है मार्किंग और जो नीचे की है वो इंचेस में। एक बार अच्छे से देख पाएंगे ऊपर एमएम, ये जो एक एक जो दिखाई दे रहा है, हाँ। तो इस प्रकार से ये 12 इंच का स्केल इसको कहते हैं। इसी प्रकार से इससे बड़ा जो है हमारे पास वर्कशॉप में यूज किया जाता है इसको बोलते हैं, ये लगभग 36 इंच का है, 3 फीट का इसको लिया जाता है। बड़ी अगर हमें कोई जॉब मापनी है तो उसके लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद इसी उसमें हम देखते हैं कि और हमारे क्या क्या जो है पैमाइश के लिए काम आते हैं। तो ये है हमारे पास, इसको बोलते हैं इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर इसका भी कार्य जो है किसी भी जॉब का जो है इनर डाया अगर हमें चेक करना है तो इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो वर्कशॉप में ये टूल इनसाइड कैलिपर के नाम से इसको जाना जाता है। तो किसी भी जॉब का इंटरनल अगर हमें साइज लेना होता है तो इसका हम इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। और इसका जो डिजाइन है वो बाहर की ओर, दोनों तरफ इसके जो है लेग्स बाहर की ओर होती हैं, जिससे कि इंटरनल साइज लेने में आसानी रहती है। और इसी प्रकार से इसका दूसरा जो पार्ट है, दूसरा टूल है, इसको बोलते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड कैलिपर। ये क्या है? आउटसाइड कैलिपर, ये बाहरी आउटर डाया चेक करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम और इसको फिर हम स्केल के द्वारा चेक कर लेते हैं कि इसका हम कितना डाया है। ये पाइप जो हमारे पास है ये कितने डाये का है, ये लगभग जो है 37 एमएम इसका डाया है। और इसी प्रकार से इसका जो इनर डाया है वो हम एक बार चेक करेंगे 34, तो 37 और 34 इसका, इस प्रकार से हम चेकिंग कर सकते। इसके बाद इसी प्रकार के मेजरिंग टूल के अंदर हम वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ये वर्नियर कैलिपर है,
सब बच्चे जो हैं 10th क्लास में 11th में अपनी जो लैब्स हैं उसके अंदर जरूर इसको भी जाना होगा, और फर्स्ट ईयर में भी हमने इस वर्नियर कैलिपर को काफी आपको इसको पढ़ाया था, परंतु एक बार फिर इसको रिपीट किया जा रहा है कि किस प्रकार वर्नियर कैलिपर से हम वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेते हैं। तो ये क्या है कि इसके अंदर भी डिटेल में हम इसका अलग से लेंगे, वैसे इसका प्रयोग जो है आउटर चेक करने के लिए, जॉब का आउटर चेक करने के लिए, और इनर ये जो ऊपर का है जार्स, इसके द्वारा इनर हम लेते हैं, साइज चेक करते हैं, और जो नीचे के जार्स हैं उसके द्वारा हम आउटर डाया चेक करते हैं। तो ये भी हमारा पैमाइश आउटर और इनर साइज चेक करने के लिए है, और इसी प्रकार ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक वर्नियर है, इसके द्वारा भी हम आउटर और इनर ही चेक करते हैं। और इसी के साथ साथ हम और एक्यूरेसी जहां हमें चेक करनी होती है तो वहां हम इसका प्रयोग करते हैं, ये आपने देखा होगा, इसका नाम होता है माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। और इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे डिफरेंट साइज के होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये 0 से 25 mm, और इसी प्रकार इससे नेक्स्ट जो है 25 से 50 mm, 50 से 75 mm, और 75 से 100 mm, 100 से 125 mm, या 125 से 150 mm, इस प्रकार 25-25 mm के डिफरेंस के ऊपर ये अवेलेबल होते हैं। और इसको जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जिस प्रकार से हमें अगर 50 से 75 mm का अगर जॉब बनाना है तो हमें उसी माइक्रोमीटर को उस कार्य के लिए खरीदना होगा, यूज करना, तो इसका भी हम विशेष माइक्रोमीटर की रीडिंग वगैरह लेकर के इसको डिटेल में आपको अलग से समझाएंगे। तो इसी प्रकार से इसके बाद और जो वर्कशॉप में हम रूटीन में टूल यूज करते हैं, तो उसमें है आपका ये स्क्रू ड्राइवर है, और इसी प्रकार से स्क्रू ड्राइवर ये पूरा सेट है जिसके अंदर डिफरेंट शेप्स के अंदर जो है हमारे स्क्रू ड्राइवर रहते हैं, और जैसे जैसे स्क्रू की शेप होती है उसके अनुकूल हम उसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि ये क्रॉस शेप में है और इसमें स्मॉल साइज है, और क्रॉस में भी स्मॉल साइज है, ये बिग साइज है, इस प्रकार से अलग अलग शेप। और कहीं पर आपको सुराख करना है, जैसे कोई सॉफ्ट मटेरियल है और वहां आपको सुराख करना है, निशान लगाना है, तो उसके लिए ये एक सुंभा इसको बोलते हैं पंच, तो इस प्रकार से इसका बीच में दिया गया है। तो ये आपका हो गया स्क्रू ड्राइवर सेट, और ऐसे ही ये क्या है, ये चीजर है, क्या है ये चीजर, हाँ, तो इसका भी प्रयोग हम किस कार्य, सीजर है ये, इसका प्रयोग हम करते हैं कोई भी आपको मटेरियल जो गत्ता है या एल्युमिनियम है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है उसको हम वर्कशॉप में कटिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ हम जो है, हाँ, ये प्लायर है, ये आपको सबको ज्ञात है कि इसका अनुप्रयोग कोई इलेक्ट्रिकल वर्क में इसी तार को छीलने के लिए या कोई ज्वाइंट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ये सभी घरों में भी हम सब यूज करते हैं। इसके साथ साथ ये हैंड एक्सर, हाँ, ये हैंड एक्सर फ्रेम है जो कि हम जो स्टेनलेस स्टील है या माइल्ड स्टील है, कोई भी, ये भी ब्लेड जो है चेंज होने वाला है, स्टेनलेस स्टील या माइल्ड स्टील, इनको कटिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसके अंदर जो ब्लेड हैं ये दो प्रकार के यूज किए जाते हैं, एक माइल्ड स्टील और एक हाई स्पीड स्टील। जहां हमें सॉफ्ट मटेरियल कटिंग करना होता है तो वहां हम माइल्ड स्टील का ब्लेड प्रयोग करते हैं, और जहां हार्ड जैसे कि स्टेनलेस स्टील या और कोई ऐसा हार्ड मटेरियल, वहां पर हाई स्पीड स्टील का ब्लेड हम प्रयोग करते हैं। और इसमें विशेष ध्यान देने की बात है कि इस ब्लेड को लगाने का तरीका हमें पता होना चाहिए, तो इसमें विशेष क्या है कि जो हमारे टीथ हैं वो आगे की ओर होने चाहिए, टीथ जो है जब हम वर्क करते हैं तो आगे की ओर होने चाहिए, तभी वो कटिंग कर पाएगा, अन्यथा कटिंग
नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग तभी जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम हर चीज के बारे में जान पाते हैं कि कौन सा टूल किस प्रकार से प्रयोग किया जाए। तो ये कटर है, तो जिस प्रकार से अभी हमने ये सीजर की बात की, ऐसे ही ये कटर जो है हमारा शीट कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्मोनियम की शीट हो या और कोई कॉपर कॉपर की शीट हो या गैस कट हो, इस रबर शीट है तो उस सब कार्य के लिए इसका हम प्रयोग। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं हैंड ड्रिल मशीन। तो जो लाइट वर्क थोड़ा सा कोई आपको ड्रिल करना है किसी शॉर्ट मटेरियल के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ हम ड्रिल देखना, यहाँ बड़ा होगा कोई, तो हम जो है ये ड्रिल आप देख रहे हैं, ये ड्रिल जो है इसके अंदर फिक्स कर देते हैं इन जॉज को खोल करके अंदर, और उसके पश्चात फिर हम जिस भी शॉर्ट मटेरियल के अंदर इसको हम सुराख करना चाहें तो इस प्रकार से उसको घुमाते हैं और ऊपर से प्रेस कर देते हैं जिससे कि वो उसी स्थान पर ड्रिल कर देता है। तो इसका हालांकि प्रयोग आज बहुत कम है। इसके पश्चात ये इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन है, तो इसका प्रयोग हम करते हैं चाहे तो किसी वर्कशॉप के अंदर कहीं पर सुराख करना हो, अथवा इसको हम दीवार पर भी सुराख करना हो तो इसके लिए अलग से मेसनरी बिट इसके अंदर लगा देते हैं, और जो हमने मेटल के अंदर काम करना है तो उसके लिए आपको हाई कार्बन स्टील की बिट लेंगे, और जो दीवार में करेंगे उसके लिए हम कार्बाइड टिप, ये मेसनरी बिट भी बोलते हैं, कार्बाइड बिट भी बोलते हैं। दोनों का अंतर क्या है कि इसके आगे डायमंड लगा होता है और जिसके कारण ये दीवार के अंदर सुराख कर दे। तो इस प्रकार से ये इसकी कैपेसिटी जो है लगभग 6 mm की कैपेसिटी रहती है, 6 mm की इसकी कैपेसिटी रहती है, तो ये लाइट वर्क की रहती है। और हमारा ग्राइंडर का, तो वर्कशॉप में हमें जरूरत पड़ती है, ये टूल है। जब टूल डिजाइन की बात करते हैं तो ये डिजाइन किया गया है, जब किसी शाफ्ट के अंदर कोई बैरिंग फंस जाता है तो उसको निकालने के लिए इसकी सहायता ली जाती है। इसको पुलर का नाम दिया गया, इसको पुलर का नाम दिया गया। ये तीनों लेग जो हैं, जिस बैरिंग को निकालना है उसकी सतह पर, वहां बैरिंग पड़ा होगा ऊपर लेथ मशीन के ऊपर, हाँ हाँ। तो एज ए एग्जांपल ये जो है, कोई वो नहीं है, पूरी जो शाफ्ट जिसके अंदर ये आ जाए बैरिंग, ये देना पंच 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 इसके साइज की दे दो बस, हाँ वो। तो ये तरीका रहता है कि जिस प्रकार से बीच में शाफ्ट है इसमें ये टाइट है बैरिंग, तो हम जैसे जैसे इसको स्क्रू को कसते जाएंगे तो ये प्रेस करता जाएगा और बैरिंग धीरे धीरे इस शाफ्ट को दबा देगा जिससे बैरिंग इससे अलग हो जाए। तो ये हमारा पुलर इस प्रकार से वर्कशॉप में कार्य को हटा लो, जो ये तो रहना दो। इसके बाद ये इसको हैंड ग्राइंडर कहते हैं, इसका भी कार्य आप सबको पता ही है, कोई भी जॉब को हमें अगर कटिंग करना है तो उसके लिए हमें इसमें ये कटर यूज करते हैं, इसका साइज रहता है 4 inch का। और इसी प्रकार से अगर हमें ग्राइंडिंग करनी है तो उसके लिए हमें ग्राइंडर व्हील चेंज करना पड़ता है, और इसके लिए वो स्पैनर है इसकी पड़ी हुई, तो इसके यहाँ जो है ये 4 जो है सुराग हैं, और हम अब आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसकी चाबी लगा करके, और इसके यहाँ नीचे की ओर एक बटन होता है, ये इसको अगर प्रेस करेंगे तो ये लॉक लग जाएगा और तभी हमारा ये जो चाबी है ये काम कर पाएगा। ये घूम गया, और अब हम आपको ग्राइंडर व्हील हमने चेंज किया है और इसके अंदर अब कटर लगाने जा रहे हैं।
तो इस प्रकार से ये हमारा तैयार हो गया कटिंग करने के लिए। कोई भी मेटल है, मान लो इसमें आपको स्लॉट करना है, तो आप सबसे पहले इसको यूज करने से पहले चश्मा जरूर लगाएंगे, क्योंकि आंखों की सेफ्टी बहुत जरूरी है। जब हम काम करते हैं तो कटर से चिप्स जो है बाहर निकलते हैं, और जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक हो, तो सबसे पहले जब भी कभी ग्राइंडर का प्रयोग करें तो आंखों पर जरूर चश्मा लगाएं। वैसे तो लेथ मशीन पर भी आपको विशेष इन बातों का ध्यान रखना होता है, परंतु इस कटर के लिए विशेष बात बता रहा हूँ कि आपको जरूर अपनी आंखों की सेफ्टी रखनी है। तो इस प्रकार हम जो भी साइज का हमने कटिंग करनी है तो हम इसके द्वारा कर सकते। तो यह आपका हो गया जो जो मशीनरी हम यूज करते हैं। इसके बाद और टूल हैं जो वर्कशॉप में हम यूज करते हैं, जैसे कि ये है, इसका सभी को पता है, घर में भी यूज होता है, इसको पाइप रेंच बोलते हैं। तो ये भी हमारी जो है रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है, 12 इंच, 18 इंच, 24 इंच और उससे बड़े भी अवेलेबल होते हैं। तो ये कोई भी आपका पाइप जो है टाइट करना हो, घर के अंदर जितना भी आपका पानी की फिटिंग है वो इसकी सहायता से ही हम करते हैं, तो इसको बोलते हैं पाइप रेंच। और ऐसे ही ये है, ये भी हम प्रयोग करते हैं वर्कशॉप में टूल, इसको बोलते हैं स्क्रू रेंच, क्योंकि इसके अंदर स्क्रू लगा हुआ है और इसको एडजस्टेबल स्क्रू रेंच कहते, क्या कहते हैं, एडजस्टेबल स्क्रू रेंच। तो जहां हमें अलग अलग साइज के नट बोल्ट टाइट करने हो तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद ये स्पैनर्स हैं, तो ये स्पैनर, इनको हम रिंग स्पैनर बोलते हैं। ये भी पूरा सेट रहता है, तो इंचेस में होता है, एमएम में होता है, जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट हो उसके अनुकूल हम इनको लेते हैं। ऐसे ही ये रिंग स्पैनर है और ये ओपन एंडेड स्पैनर है। ओपन एंडेड स्पैनर अर्थात इनका जो एंड है ओपन है, इसलिए इनका नाम ओपन एंडेड स्पैनर है, और ये भी इंचेस में और एमएम में दोनों में अवेलेबल रहते हैं। इसके साथ साथ वर्कशॉप में हम प्रयोग करते हैं फाइल, जो अलग अलग शेप में हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो फाइल है इसकी शेप जो है हाफ राउंड में है, तो जहां हमें रेडियस फिनिशिंग करनी हो तो वहां हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसको इस प्रकार से, ये रेडियस अगर वर्क करना है तो वहां हाफ राउंड फाइल को लिया जाए। और इसके साथ साथ ये फ्लैट फाइल है, इसका हम प्रयोग, हाँ इसका हम प्रयोग फ्लैट वर्क, जहां पर हमें सरफेस फ्लैट सरफेस के ऊपर काम करना है वहां पर इसका प्रयोग करें। तो इसके साथ साथ और भी अलग अलग शेप की हैं, ये राउंड शेप है, राउंड फाइल, इसका प्रयोग करते हैं हम, जहां पर कोई सुराग है उसको हमने अगर और बढ़ाना हो, जैसे कि कोई 5 mm का है और हमें उसको 5.5 करना है या 6 करना है, तो हम उसके अंदर इस फाइल का प्रयोग करके उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी फाइल हो गई, राउंड फाइल। इसके अलावा ये हाँ, तो और ड्रिल चक ये ड्रिल चक है और इसकी की। तो हम जो भी ऑपरेशनल ड्रिल मशीन पर ड्रिल करते हैं तो ये ड्रिल चक की सहायता से करते हैं, और इसके अंदर हम 1 mm से लेके 12 mm तक की इसकी कैपेसिटी रहती है। और इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं क्लॉकवाइज, हाँ हाँ, जैसे कि अभी हम इस, ये आपका, अगर हम एंटी क्लॉक चलाएंगे तो हमारा ड्रिल चक से बाहर आ जाएगा, और इसी को अगर हम क्लॉकवाइज इसको चाबी को घुमाते हैं तो ये फिक्स हो जाए। तो इस प्रकार से ये हमारा वर्क काम करता है ड्रिल मशीन। जितना भी आपको ड्रिल करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अनुरूप हम अलग अलग ड्रिल जो है वो बदल लेते हैं। ड्रिल की अभी हम बात कर रहे थे, तो ड्रिल के अंदर 2 प्रकार के ड्रिल वर्कशॉप में यूज किया जाता है, एक स्ट्रेट शैंक ड्रिल
और ये टेपर शैंक, और जो स्टैंडर्ड है 12 mm तक जो अवेलेबल रहते हैं वो स्ट्रेट शैंक होते हैं, और 12 mm से ऊपर जितने भी ड्रिल मिलेंगे वो टेपर शैंक होते हैं। तो ये अपना टेपर शैंक ड्रिल रहेगा और वो स्ट्रेट शैंक रहेगा। इसके अलावा जो वर्कशॉप में टूल की अगर हम बात करते हैं, अगर इसको नहीं बताया तो ये भी हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा। इनको बोलते हैं रिमर। ये क्या है? रिमर। रिमर का प्रयोग जो है जहां पर हम ड्रिल कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम उसका साइज कुछ पॉइंट एमएम में, पॉइंट एमएम में, पॉइंट जीरो एमएम में अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उस कार्य के लिए हमें इस टूल का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग करने का तरीका उसी प्रकार है जैसे हम टैपिंग करते हैं। तो जिस ये आप देख लेंगे कि इसका ये हैंडल है और इसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जॉब है आपकी और इसके अंदर जो एज एग्जांपल ये, हाँ, तो ये आपने ड्रिल करने के बाद रिमिंग करना है। तो इस प्रकार से उसके अंदर आप धीरे धीरे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे जैसे जैसे घुमाएंगे तो आपका रिमिंग होना शुरू हो जाएगा और इसमें से थोड़ा थोड़ा मटेरियल रिमूव होगा। तो इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? रिमिंग ऑपरेशन। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें टैपिंग, टैप सेट यहाँ कहाँ पड़ेगा? हाँ, जो टैप की बात कर रहे हैं इसको हम प्रयोग करते हैं थ्रेडिंग करने के लिए। ये हमारे 3 का सेट होता है। इसमें सबसे पहला रहता है, सबसे पहला टेपर और दूसरा मीडियम और तीसरा मास्टर और ये हैंडलिंग का। तो इसकी सहायता से हम जिस प्रकार अभी रिमिंग की बात की थी हमने, रिमिंग ऑपरेशन, वैसे ही हम टैपिंग करते हैं किसी भी जॉब के अंदर। हमें जब थ्रेडिंग करनी होती है, इंटरनल थ्रेडिंग, तो वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। तो सबसे प्रयोग करने के लिए सबसे पहले टेपर टैप को हम घुमाते हैं और उसका तरीका उसी प्रकार है। ये तरीका है जिस जॉब के अंदर आपको टैपिंग करनी है उसके अंदर इसको हम धीरे धीरे घुमाना शुरू करेंगे और साथ साथ ऑयलिंग करेंगे, साथ साथ ऑयलिंग करेंगे धीरे 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 धीरे। और इस प्रकार से हम पहला टेप करेंगे, फिर उसको आप हटा देंगे, फिर सेकंड टैप सेट को यूज करेंगे और उसको भी उसी तरह हम घुमाएंगे। और इस जॉब को जो है हम जॉब को हम वाइस में पकड़ते हैं। अभी हमने कुछ बच्चों से जो प्रैक्टिकल बनवाया था उसमें किस प्रकार से थ्रेडिंग किया था ये आप देख पाएंगे। ये इस प्रकार से हम किसी भी जॉब में कोई भी साइज का थ्रेडिंग जो है बना सकते। तो इसमें आपको सभी तीनों का प्रयोग करना होता है जिससे कि जो हमारी थ्रेडिंग की शेप है वो प्रॉपर आ जाए। और उसके बाद हम जब तीनों को लगा लेंगे फिर हम चेक करेंगे कि वास्तव में जो हमारा बोल्ट है वो आया या नहीं। तो इस प्रकार से ये हमारे तीनों जो हैं टेपर मीडियम और मास्टर टैप घुमाने के बाद तीनों थ्रेडिंग तैयार हो चुकी है और हमने इसमें बोल्ट को डाल करके चेक किया है कि वास्तव में थ्रेडिंग बन चुकी है। तो ये आपका थ्रेडिंग ऑपरेशन कंप्लीट।